हर व्यक्ति का यह सपना होता है कि वे किसी ऐसी जगह घूमने जरूर जहाँ से उसको सनसेट का पूरा मजा ले सके। प्रेमी के साथ बैठकर एक शांत जगह से सनसेट को देखने का अपना अलग ही मजा होता है। हर कोई ऐसी जगह लगातार खोजता रहता है। तो आइए आज हम आपको भारत की 6 ऐसी पर्यटन जगहों के बारे में बताते हैं जो लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ सनसेट के लिए ही मशहूर है। 1. सनसेट पॉइंट माउंट आबू। राजस्थान के माउंट आबू का असली मजा तभी आता है जब शाम थोड़ी लंबी होती है और पहाड़ की चोटी से सूर्य को देर तक देखा जा सके। अधिक सर्दियों के दिनों में वैसे यहाँ जाना उतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि गर्मियों के दिनों में मजा आता है। आप अगर दिल्ली आसपास रहते हैं और सनसेट के मजे लेना चाहते हैं तो आपके लिए माउंट आबू सबसे अच्छी जगह बोली जा सकती है। 2. हेवलॉक बीच अंडमान। आप अगर अंडमान जा रहे हैं और आपको अगर यहाँ का सनसेट नहीं देखा है तो समझ लेना चाहिए कि आपने अंडमान का सारा मजा ही जैसे छोड़ दिया है। हेवलॉक बीच अंडमान का सनसेट दुनिया भर में मशहूर है। 3. कन्याकुमारी का सनसेट। कन्याकुमारी जो भारत का आखिरी हिस्सा बोला जा सकता है, यहाँ वैसे बहुत ही कम लोग जाते हैं लेकिन कन्याकुमारी सनसेट के लिए दुनिया भर में फेमस है। आप यदि यहाँ जाते हैं तो आप समुन्दर में सूरज के सनसेट को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये स्थान वैसे अपने हरे वातावरण के लिए अधिक विख्यात है। 4. सनसेट पॉइंट रण कच्छ गुजरात। अगर आप जाओ तो कच्छ के रण में आप निश्चित रूप से चले जाना। दूर तक आपको यहाँ सफ़ेद ज़मीन ही देखने को मिलती है लेकिन जब सूर्य के नीचे उतरने का समय आता है तो यही सफ़ेद ज़मीन जैसे सोना लगने लगती है। यहाँ जाने पर आप यहाँ के सनसेट के दीवाने बन जाओगे। पुष्कर राजस्थान। इसी तरह से आप अगर राजस्थान कभी जाए तो आप पुष्कर भी ज़रूर चले जाए। जीवन में एक बार हर व्यक्ति को यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। आप यहाँ का सनसेट जब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम आपको यहाँ क्यों भेज रहे थे। 6. यूमियम लेक मेघालय। आपने आसमान को लाल और आसमानी ज़रूर देखा होगा। जब आप मेघालय के यूमियम लेक पर आएंगे और खास सनसेट को देखेंगे तो आपको यहाँ आप ऐसा लगेगा जैसे प्रकृति ने लाल और आसमानी रंग को मिलाकर एक नए रंग का आविष्कार किया है। तो इस तरह से भारत की ये 6 जगह अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर तो है ही, साथ ही साथ ये जगह सनसेट के लिए भी मशहूर है।